इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप भी रो देंगे। एक बार मिस्टर इंडियन हैकर ने जमीन के अंदर या फिर यूं कह लीजिए कब्र के अंदर 24 घंटे तक रहने का चैलेंज ले लिया और अपने टीम मेंबर की मदद से गड्ढे खोद के गड्ढे के अंदर जाकर ऊपर से मिट्टी डलवाकर कम्प्लीटली जमीन के अंदर शिफ्ट हो गए 24 घंटे के लिए। अब आप सोच रहे होंगे रात भर वो लोग जमीन के अंदर कर क्या रहे होंगे, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से दिलराज भाई ने रात भर 24 घंटे की टाइम काटी है और साथ में वॉकी टोकी और मॉनिटर लगा हुआ था जिससे कि नजर भी रख रहे थे और ऊपर उसके टीम मेंबर आधा पादा खेल रहे थे। इस तरह से ये लोग 24 घंटे रात गुजारने के बाद इसके टीम मेंबर भी रात भर जगने के बाद सुबह जैसे 24 घंटे कंप्लीट हुए और उस जमीन को खोदने लगे और उसके बाद लास्ट का सीन देखकर आप भी कहेंगे कि सच में मिस्टर इंडियन हैकर में दम है कि इन्होंने 24 घंटे तक जमीन के अंदर रह के अपना चैलेंज कंप्लीट किया। दुनिया में एक से बढ़कर एक गट्स वाले लोग हैं। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे ही खतरनाक बंदे से जिसका नाम हसन काविल है। इसने आसमान की ऊंचाइयों में जाकर जमीन से 14,000 फीट ऊपर जाकर ब्रेकफास्ट करने का सोचा। ये और इसके दोस्त पैराशूट के मदद से आसमान के 14,000 फीट ऊपर जाकर चिकन रेडी करते हैं और ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और साथ में बैठ कर ब्रेकफास्ट भी करते हैं। सबसे यूनिक और अनोखा बात तो ये है कि इतनी ऊंचाई में आग जलाकर चिकन रेडी करना और ब्रेकफास्ट करते करते ये लोग जमीन में लैंड हो जाते हैं। खतरनाक स्टंट करने वाले एक से बढ़कर एक लोग हैं जिसके बारे में शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा और उनमें से ये भी एक है। इस 8 फीट के गड्ढे से ये 6 लोग निकलने की कोशिश करते हैं। चैलेंज ये होता है कि इस गड्ढे से जो बंदा निकल जाएगा और जो लास्ट में निकलेगा उसे दुनिया का सबसे तीखा चीज खाना होगा जिसका नाम जोलो चिप है और जोलो चिप खाने के बाद क्या होता है आपको पता होगा। एक एक करके हजारों कोशिश करने के बाद सारे लोग निकल जाते हैं लेकिन लास्ट वाला बंदा नहीं निकल पाता क्योंकि इसका हाइट भी कम होता है और ऊपर से वेट भी ज्यादा होता है, इस वजह से ये जंप नहीं लगा पाता। उसके बाद यहाँ पे आप उसका टाइम आ गया जोलो चिप खाने का और ये जैसे ही जोलो चिप खाता है उसके बाद क्या हुआ होगा आप कमेंट में ही बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।